हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टडी चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह। यार MBMMS CT 2023 के स्टूडेंट, तो जैसे कि आप लोग की पेपर अब नजदीक आ चुकी है यार, 25-26 तारीख को आपके यार पेपर होने वाली है, जैसे कि आपके वेबसाइट पर भी शो हो चुका है। तो यार बात करते हैं कि सर जो हमारी हर एक सेक्शन होती है उसकी डिफिकल्टी बताओ जरा सर। तो देखो, सबसे पहले आपका चार टाइप में टॉपिक्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये आपके चार टॉपिक हो गए। नंबर ऑफ क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में 75, एब्स्ट्रैक्ट में 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50, वर्बल एबिलिटी में भी 50। मैक्सिमम मार्क्स LR के लिए 75 होता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए 25 और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 50 और वर्बल एबिलिटी के लिए 50। और हर एक क्वेश्चन 75 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक ही मार्क्स पर क्वेश्चन एक ही होता है। वहीं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के भी हर एक क्वेश्चन के लिए एक ही मार्क्स और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए भी एक ही मार्क्स और वर्बल एबिलिटी के लिए भी एक ही मार्क्स। पर ये पिछले जो एग्जाम्स हुए उनके एनालिसिस के हिसाब से डिफिकल्टी क्या होती है, तो जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो डिफिकल्ट भी होती है और लेंदी भी होता है। तो मतलब लॉजिकल रीजनिंग को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओ उतना अच्छा है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए बोला क्योंकि लेंदी है। तो लेंदी चीज का हम सोल्यूशन क्या होता है, प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करने में वो होगा, आसानी होगी। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात करेंगे तो ये भी काफी डिफिकल्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में भी बच्चों की हालत टाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये डिफिकल्ट स्लॉट में पेपर इस तरीके का आता है, तो डिफिकल्ट ही होता है, डिफिकल्ट और डिफिकल्ट। ठीक है, तो बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी जो हमारी मॉडरेट रहती है, ठीक है, मॉडरेट लेवल की आती है, कभी कभी डिफिकल्ट भी हो जाती है पर इजी टू मॉडरेट लेवल की रहती है। ठीक है, ये मैं पिछले एग्जाम हुए हैं उनके एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वर्बल एबिलिटी की बात करेंगे तो ये भी कुछ मॉडरेट लेवल की रहती है, ठीक है, और कभी कभी डिफिकल्ट भी आती रहती है। तो होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। टोटल मार्क्स 200 होता है और नेगेटिव मार्किंग का कोई लोचा नहीं होता इसमें, पूरे के पूरे दो सवाल हैं आपको 200 के 200, सबको भगवान का नाम लेके टिक करना, अगर नहीं भी आता है तो भी टिक करना है, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भाई किस बात का टेंशन लेना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।